WWE 2K17 Michael Hero, The Rise of Jinder Mahal. तो दोस्तों वेलकम बैक टू WWE 2K17 माई करियर मोड। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। प्लीज लाइक करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन ऑन करें एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम चलते हैं सीधा गेम की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोग हार गए अपना US चैंपियनशिप। यस, वो हमसे छिन गया, हम लोग उस बैटल रॉयल को हार गए। लेकिन अब हम जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं स्मैकडाउन की तरफ, जहां पे हमारा फेटल फोर वे मैच है। जिंदर महल, डीन एम्ब्रोस, नेविल एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जॉन सीना खुद इसमें लड़ रहे हैं। एंड ये स्टार्ट हुआ हमारा मैच स्मैकडाउन पे। सबसे बड़ी बात है कि ये एक फेटल फोर वे मैच है एंड हम लोग तीनों के तीनों जॉन सीना के टाइटल के लिए चैलेंजर्स हैं। तो सबको मौका मिलेगा शायद जॉन सीना को यहाँ पे मारने का, एक मैसेज भेजने का कि हम आ रहे तेरे टाइटल की तरफ। तो मैंने तो भाई जॉन सीना को पकड़ लिया। नेविल वहाँ पे हाई फ्लाइंग मूव्स दिखा रहा है, डीन एम्ब्रोस के साथ फाइट करने में लगा हुआ है। जॉन सीना ने मुझे यहाँ पे आयरिश व्हिप किया एंड फिर दोबारा पकड़ लिया है, रिंग के बाहर फेंक दिया जॉन सीना ने। एंड इस बंदे को हराना बहुत मुश्किल होगा, ये बंदा वन ऑफ द बेस्ट इन WWE। एंड इसका जोश, इसका मूव बहुत तगड़े है। अरे भाई डीन एम्ब्रोस क्या कर रहा है? जॉन सीना हमें मारने तक का मौका तक नहीं दे रहा, क्लोज लाइन मार दिया उसने हमें, बिल्कुल हालत बुरी। ये क्या रिवर्सल जिंदर महल ने, हम फाइट को बाहर ले जा चुके हैं। नो काउंट आउट, नो डिस्क्वालिफिकेशन, जो चाहे जहाँ चाहे मारना चाहो मारो, लेकिन जिसने पिन किया सबसे पहले वो जीत जाएगा इस मैच को। हम लोग रिंग के नीचे ढूंढ रहे थे वेपन्स एंड हाथ में लगा स्लेज हैमर, उससे पहले मैं कुछ कर पाता जॉन सीना ने हमें उठा लिया है। बूम, फेस फर्स्ट ऑन द मैट एंड वहाँ नेविल फुल हाई फ्लाइंग मूड में टॉन्ट कर रहा है अंदर। बूम, मेरा टांग तोड़ दिया इसने, ड्रॉप किक पड़ा ऊपर भाई, ऊपर जबरदस्त मूव्स हो रहे हैं, हम यहाँ नीचे फंसे पड़े हुए हैं। एट लास्ट जॉन सीना मेरे हाथ में आया लेकिन उसने रिवर्सल कर दिया। बूम, पेट पे लात एंड अब जाके मेरे हाथ लगा ये बंदा है, स्कूप स्लैम एंड आई एम यूजिंग द ब्लडी स्लेज हैमर। इस बंदे को ख़त्म करना ही पड़ेगा यहाँ पे। स्लेज हैमर कहाँ हूँ, ये पड़ा इसके सर पे। जॉन सीना बिल्कुल डाउन, बेहोश करके छोड़ना इसको, अंदर पिन हो रहा है। नेविल पूरा फ़ायदा उठाते हुए बूम स्लेज हैमर लेके पहुँच गया अंदर अपना जिंदर महल। नेविल के पेट में लिया ये वाला, बूम भाई बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठा रहा है ये। एंड अब नेविल के लिए एक पावर बॉम्ब, बूम, बहुत ही सही। वहाँ जॉन सीना ने पार्टनर एक्सचेंज कर लिया है, वो पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं लोगों को। एंड हम लोग यहाँ पे खतरनाक डैमेज, डीन एम्ब्रोस के ऊपर अब वार, तीनों बंदे को मैंने स्लेज हैमर से मार दिया है। बूम बूम, दो लोग बाहर हो चुके हैं, डीन एम्ब्रोस की हालत ख़राब, लेकिन भागते हुए आया बुलडॉग ऑन जिंदर महल। फिनिशिंग मूव आ चुका है हमारे पास वैसे देखा जाए तो। एंड दो लोग नीचे स्ट्रगल कर रहे हैं, पिन के लिए गए ये फटाफट। नेविल ने आके बीच में डिस्टर्ब किया है, बचा लिया बेटा, बचा लिया इस बार। जिंदर महल फटाफट उठा एंड जॉन सीना वापस रिंग के अंदर, आते ही मुझे मारा है सुप्लेक्स के लिए। बूम, व्हाट अ सुप्लेक्स, जॉन सीना एडवांटेज में, सिग्नेचर मूव आ चुका है उसके पास। बच के रहो बेटा, बच के रहो। एंड रिवर्सल ऑन जॉन सीना, ये हुई ना बात, एंड फेंक दिया जॉन सीना को बाहर, रिंग के बाहर चारों के चारों रेसलर्स एंड चारों तरफ सीना की चैंट्स यहाँ वहाँ से। सीनेशन इसका चालू हो चुका है, ये फेंका एप्रन में एंड बिल्कुल नया OMG मोमेंट यहाँ पे, लटका दिया एप्रन पे, बैरिकेड पे और दो मुक्के मुंह पे, सर से खून बहने लगा जॉन सीना के। एंड हम जा रहे हैं बेटा, हम जा रहे हैं कॉर्कस्क्रू लेग ड्रॉप ऑन द आउटसाइड। ये क्या हुआ, कैमरा कहाँ घुस गया? बूम, पड़ा कॉर्कस्क्रू जॉन सीना के पीठ पे, बिल्कुल उसके सर के पीछे। बहुत ही तगड़ा मूव यहाँ पे, रॉब वैन डैम की आत्मा चढ़ गई है एंड जॉन सीना की हालत बिल्कुल ख़राब। उससे पहले वो दोनों ऊपर आए, मैं जॉन सीना को अंदर ले जाके पिन करता हूँ फटाफट, इसी बात का एडवांटेज उठाएंगे। वो लोग बाहर लड़ने में बिजी है, रेफरी इधर देख भाई, इधर देख, लेट्स गो। 1 2 एंड जॉन सीना ने किया किक आउट। इस बंदे को पिन करना, कुछ भी करना, इतना रेजिलिएंट बंदा है, बहुत मुश्किल। फाइट बैक एंड जॉन सीना ऑन द कंट्रोल,
उठा लिया, आराम से उठा लिया, घुमा के पट गया जिंदर को रिंग के बीच में, सिग्नेचर मूव लगा दिया उसने, फाइव नकल शफल एंड बूम ऑन माय फेस एंड जॉन सीना लुकिंग फॉर द एफयू एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन रिवर्सल किया जिंदर महल ने बहुत ही बढ़िया, भागते हुए नी मारा मुंह पे एंड जॉन सीना डाउन। क्या हो रहा है इस मैच में, सारे के सारे रेसलर्स वापस रिंग के अंदर आ चुके हैं। नेविल को बाहर फेंका, डीन एम्ब्रोस ने इसको बाहर फेंका, ले जा बाहर निकल गए, दोनों बाहर निकल गए। ओ शिट, अबे यार इतना अच्छा मौका था मेरे पास, फिनिशिंग मूव भी था, लेकिन जॉन सीना ने उठते ही पटका हमें, उसने अपना कमबैक मूव लगा दिया है एंड डीन एम्ब्रोस फिर बाहर निकल गया नेविल को पीटने, एंड ये किया मैंने रिवर्सल उसका कमबैक मूव, उठ एंड फिनिशिंग मूव लगा दिया भाई उसने, कमबैक मूव लगा दिया मेरे ऊपर उल्टा। क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंदर ने उल्टा कर दिया उसका कमबैक मूव, मुझे मारेगा तू, फिनिशर लग क्यों नहीं रहा मेरा। यस द टाइगर बॉम्ब बूम रिंग के बीच में, बड़ा सा फिनिशिंग मूव, दो लोग बाहर, 1 2 3 व्हाट अ विन, बहुत बड़ी विन यहाँ पे जिंदर महल के लिए, उसने पिन किया जॉन सीना को एंड फेटल फोर वे मैच जीत गया, फुल एडवांटेज उठाया हमने वेपन्स का। तो जॉन सीना अभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, सिन कारा नंबर 1 कंटेंडर, हम लोग नंबर 7 रैंकिंग पे आ चुके हैं, नंबर 6 पे है डॉल्फ ज़िगलर एंड हम जा रहे हैं पे बैक की तरफ जहां पे डॉल्फ के अगेंस्ट मेरा मैच है, 1-on-1 नॉर्मल मैच एंड वेलकम टू पे बैक एंड ये स्टार्ट हुआ हमारा मैच ऑन पेपर व्यू ऑन अ बिग स्टेज पे बैक। तो हम लोग डॉल्फ ज़िगलर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये सारे के सारे जॉन सीना के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड मेरे बीच में आ रहे हैं, तो इन सबको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नंबर वन कंटेंडर हमें बहुत जल्द से जल्द बनना पड़ेगा अगर हमें उस टाइटल के करीब भी आना है, तो इन सब कांटों को बीच में से हटाओ पहले, तो इतना मारो कि बुरा हाल हो जाए, इनके रैंकिंग में ऐसे गिरे ये लोग सीधा नंबर 6 से नंबर 10 पे पहुंच जाए, बस हमें इनकी रैंकिंग्स चुरानी है, ऊपर आते जाना है। बूम नी बिल्कुल अंदर उसके, डॉज करने की कोशिश, भागते हुए आया एंड घुमा के नेक ब्रेकर बाय डॉल्फ, मिस्टर शो ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, हाँ हमारे अगेंस्ट नहीं, पीछे से पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स, बहुत ही बढ़िया, बूम बूम बूम। पेपर व्यू पे नॉर्मल मैच प्लीज़ मत रखाया करो, इतना मारूंगा लाल कर दूंगा तुम लोगों को। ये ले उठा लिया अलबामा स्लैम राइट इनटू द मैट, छाप दिया बिल्कुल जमीन के अंदर एंड मूव्स के बाद मूव्स, पंप हैंडल सुप्लेक्स, बूम ऑलमोस्ट रेफरी के ऊपर, यहाँ पे मोमेंटम बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है एंड डॉल्फ को बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा है। ये किया उसने रिवर्सल, ट्राइंग टू फाइट बैक, एक लात मारी, दूसरा मुक्का हमने रिवर्स किया एंड एक्सप्लोरर सुप्लेक्स बैंग, ये हुई ना बात, मौका ही मत दो इनको, मौका ही मत दो, फटाफट हमने मोमेंटम गेन किया, सिग्नेचर मूव आ चुका है हमारे पास, वी आर गोइंग फॉर इट, घन चक्कर, द डिस्कस बिग बूट टू द फेस, बूम छप गया इसके मुंह पे, ये जूता छप चुका है इसके मुंह पे एंड हमारे पास फिनिशिंग मूव आ गया, बहुत सही एंड ये किया रिवर्सल डॉल्फ ने, ओह सुपर किक के लिए जा रहा था लेकिन मिस हुआ पूरा, फ्लाइंग एल्बो अक्रॉस द रिंग एंड डॉल्फ को हम बाहर ले जाने वाले हैं, चल बेटा बाहर, तुझे तो बाहर ही पिटूँ, थोड़ा सा एक्सट्रीम बनाया जाए इसको, डॉल्फ को हम लोग ले गए रिंग के बाहर बिल्कुल क्राउड के सामने, इसी के फैंस के सामने इसको पीटा जाएगा। ये गया बैरिकेड के अंदर एंड The OMG moment, लटका दो बेटा बैरिकेड में लटका दो, दो मुक्के मुंह पे एंड RVD का भूत चढ़ गया जिंदर के अंदर, यस रॉब वैन डैम, ये मारा कॉकस्क्रू लेग ड्रॉप राइट ऑन द बैक, क्या बात है, बूम, पता नहीं कौन बंदा आ जाता है भाई कैमरे के रीच में, क्राउड के अंदर कहाँ कैमरा घुसा रहा है भाई, कैमरा मैन ही हमारा बड़ा गड्ढा सा है, डॉल्फ की हालत बुरी हो गई यहाँ पे एंड कैमरामैन पिछवाड़ा दिखा रहा है क्राउड का, बताओ वापस रिंग के अंदर एंड अभी भी डॉल्फ पिटता हुआ, कुछ नहीं बदला है यहाँ पे, ये पटका दूसरी तरफ,
एंड हियर वी गो, जिंदर महल का स्टैमिना बिल्कुल गया 96 मोमेंटम पे। चल चल साइडो, ये पड़ी लास्ट स्पीड पे, एक और सिग्नेचर मूव आ गया, ये हुई ना बात, जबरदस्त मूव किया है बिल्कुल इसके ऊपर, तो ऐसा सांस लेने तक का मौका नहीं मिला इसको, बिल्कुल लेटा दिया यहाँ पे, डबल नी धमाका बैंग एंड पेट पकड़ के एक कोने में, उठाओ भाई इसको उठाओ, रेस्ट मत करने दो, फिनिशिंग मूव ज़िगज़ैग, उसी का मूव, उसी पे मूव थीफ लगाया हमने, बूम, मिस्टर शो ऑफ, हम हैं यहाँ के शो ऑफ बेटा, ये हमारा स्टेज है, हमसे कोई नहीं जीता आज तक, लेट्स गो, 1, 2, 3, व्हाट अ विन ओवर डॉल्फ, फुल डोमिनेशन यहाँ पे, फुल डोमिनेशन, एक मूव तक भी मानने दिया उसको अपने ऊपर हमने, ये हुई ना बात, बनता है भाई पेपर व्यू डांस, यस। एंड अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ऑन रॉ इन अ टेबल्स मैच, हियर वी गो, एक बड़े मुश्किल से स्पेशल मैच मिला हमें, टेबल्स मैच एंड बूम सीधा सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, ये हुई ना बात, मार मार के इसकी हालत बुरी कर देनी है, टेबल्स क्या, चेयर्स क्या, लैडर्स क्या, सब फोड़ांगे आज, सेथ रॉलिंस थोड़ा सा ग्रॉगी यहाँ पे, लेकिन आयरिश व्हिप किए हमें कोने में फेंका, क्या लात एंड क्या मुक्के का कॉम्बो, फटाफट जिंदर महल रिंग से बाहर निकला है, वेपन्स ही वेपन्स चारों तरफ, सब चीज़ों का फायदा उठाया जाएगा, सेथ रॉलिंस हमसे दूर भाग रहा है, क्या हो गया भाई, डर गया, ओए अंदर आते लात मारी है सेथ ने, भागते हुए एंड नी सीधा इसके मुंह पे पड़ा है, बैंग बैंग बैंग, तो हमने अथॉरिटी को की थोड़ी और उंगल एंड लगता है कि अभी भी COO जो ट्रिपल एच है इस कंपनी का, अभी भी सेथ रॉलिंस को काफ़ी फेवर करता है, तो उसके अगेंस्ट हमें मैच दिया एंड बुलडॉग पड़ा मेरे मुंह पे, मैंने बड़े मुश्किल से टेबल निकाला था नीचे से, ये किया हमने रिवर्सल एंड सेथ रॉलिंस वापस रिंग के अंदर, अब ये टेबल भी जाएगा अंदर बेटे, टेबल से टेबल से पिटेगा, तो वो व्हाट अ ड्रॉप किक, सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर एंड मेरा डैमेज और बढ़ गया, एंड ये क्या, सेथ रॉलिंस अभी से टेबल सेटअप करने लगा है, बूम क्या उछलने की कोशिश, लेकिन कहीं और ही उछल रहा है भाई आज तो जिंदर, उठा लिया एंड गोइंग फॉर इट, लेकिन रिवर्सल आया सेथ रॉलिंस की तरफ से, एक और साइड किक एंड जिंदर महल आज फटाफट भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, एक्सप्लोरर सुप्लेक्स, बूम हमने कंट्रोल ले लिया वापस सेथ रॉलिंस के ऊपर, टेबल उठा लो भाई अब डैमेज स्टार्ट होगा, बूम एक बार दो बार तीन बार, आई थिंक हमें टेबल्स मीटर पूरा फुल करना है उसका, तब जाके टेबल पे हम इसको फिनिशर दे पाएंगे, एंड बूम अनलेस हम अनाउंस टेबल पे इसको OMG मोमेंट दे दें वो तो एपिक होगा, वहीं पे टेबल भी ख़त्म मैच भी ख़त्म, भाई एक बंदे को टेबल के थ्रू जाना है एंड वो इस मैच का विजेता हो जाएगा, जिंदर महल के पास फिर दोबारा एक और वेपन, अरे बड़े फटाफट उठ रहे हैं, हाँ बहुत फटाफट उठ रहा है, ये ले भाई टेबल से अटैक कर करके इसका बुरा हाल करना आज, हटा अब टेबल की ज़रूरत नहीं, इसको इधर लाओ, बूम उसी का फिनिशर उसी पे, भागते हुए गया है एंड ओहो स्टॉम्प कर दिया भाई इसने, तो ये हुई ना बात, सेथ रॉलिंस का मूव उसी के ऊपर एंड बूम सेथ रॉलिंस की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई यहाँ पे, कोने में ले जाएंगे इसको आज भाई, बुरा हाल होना इसका, उठा लो इसको, तो टर्न बकल पे इसका मुंह ना पड़ा, बैंग बिल्कुल डार्ट की तरफ फेंका है, सीधा टर्न बकल पे जाके इसका मुंह पड़ा एंड घूम चुका है सर, सेथ का सर घूम गया इधर, दो दो टेबल्स रिंग के अंदर, भाई कहाँ कब कौन सा टेबल टूट जाए ये भी पता नहीं चलता कभी कभार, तो ये पड़ा बहुत सही बहुत, ये ले एक और मूव पे मूव, मूव पे मूव, टेबल रिंग से बाहर, अंदर टेबल लग रहे बाहर टेबल लग रहे हैं एंड बाहर आते सेथ के मुंह पे दोबारा टेबल पड़ा, भाई तू उठी मत, जैसे ही उठेगा टेबल इसके सर पे एंड बड़ा डैमेज हो गया यहाँ, बिल्कुल सेथ रॉलिंस यहाँ पे हताश हो चुके, लेकिन फाइट बैक करने की कोशिश, उनने रिवर्सल मारा यहाँ पे टॉन्ट करते हुए, थोड़ा सा जोश पकड़ा है उनने एंड उठा लिया सुप्लेक्स के लिए एंड ऑलमोस्ट टीयर स्टेप्स के ऊपर, रिंग के बाहर चोट वैसी ज़्यादा लगती है एंड नी पड़ा सीधा मुंह पे जिंदर के, अब डैमेज करना स्टार्ट किया है इसने, मोमेंटम पकड़ लिया यहाँ पे काफ़ी,
एंड अब हाथ से वार, हर एक लिम्प पे इसने मारना स्टार्ट किया, टारगेट करना स्टार्ट किया, बूम एंड फिर रिवर्सल आया सेट की तरफ से, सिग्नेचर मूव आ चुका है उसके पास, लेकिन रिवर्सल किया जिंदर ने ऑन टू द स्टील स्टेप्स। यहाँ पे हालत ख़राब हुई थोड़ी, उठ सेट उठ, इतनी आसानी से तुझे छोड़ूंगा नहीं आज, तेरे फैंस के सामने तुझे बहुत बुरी तरह पीटेंगे हम। बूम, कोई किसी को कोई मूव नहीं मारने दे रहा, फिनिशिंग मूव आ चुका है जिंदर के पास, थोड़ा सा रिंग के इस तरफ ले जाएंगे, ऑन टू द बैरिकेड्स एंड चल अंदर, बैरिकेड के अंदर फेंका है, ओएमजी मोमेंट लगा दिया है, यस भूत चढ़ चुका है हमारे दिमाग में, आरवीडी का भूत चढ़ चुका है, सेट की हालत खराब, लेट्स गो बॉयज, आर यू रेडी, रॉब वैन डैम, घूम के कॉक्सक्रू लेग ड्रॉप, एंड ये कैमरा वाला क्यों घुसा है भाई क्राउड के अंदर ही घुसा है, देखो क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इस कैमरे वाले का, जॉब से बाहर क्यों नहीं निकाल देते इसको, स्टैमिना हमारी बुरी तरह ख़त्म हो चुकी है, एंड फिर दोबारा स्टील स्टेप्स पे इसका सर गया, ओ चेयर निकाल लिया, एक और बड़ा वेपन यहाँ पे, बूम डॉच करने की कोशिश, लेकिन सर पे वापस पड़ा इसके, वार पे वार, आज तो भाई इसकी हर एक हड्डी असलिया एक कर दी मैंने, बूम पिछवाड़े पे, सिग्नेचर मूव जिंदर महल के पास, लेकिन स्टैमिना हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, थोड़ा सा स्टैमिना का वेट, सेट तो घूम रहा है इधर से उधर, पावर देखिए आप जिंदर की, फुल पावर स्लैम, बैंग, फिनिशिंग मूव फिर दोबारा हमारे हाथ में, बहुत बुरी हालत होगी सेट की, बहुत ज़्यादा, चेयर नहीं चाहिए हमें, चेयर नहीं चाहिए, अभी भी उठ रहा है, लात था एक, यहाँ पे टेबल हमने पहले सेट कर रखा है, आजा फिर इसको बर्बाद करते हैं, इस टेबल को बर्बाद करते हैं, सेट को हमने पकड़ लिया है, टेबल की तरफ घसीट रहे हैं, अबे कहाँ से ले जाऊँ, ओहो उसने उल्टा हमें घसीट लिया है, रिंग के बीच में ले आया हमें, बूम एंड हाथ में नहीं आ रहा, अब ये बंदा हमारे हाथ में नहीं आ रहा, एक और रिवर्सल बैक एंड फोर्थ वापस मेरे हाथ में, उसके पास अभी भी एक रिवर्सल बाकी है, बस वो करना दे, टेबल फिनिशर लगा दिया है मैंने यहाँ पे, पंप हैंडल सुप्लेक्स बूम इनटू द टेबल, व्हाट अ विन, सेथ रॉलिंस गए थ्रू द टेबल एंड विजेता जिंदर महल, क्या विक्ट्री थी भाई, किसी को भी भेजो, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आ रहा हूँ मैं, तो हम जा रहे हैं अब स्मैकडाउन की तरफ एंड एक और टफ मैच, यहाँ पे केविन ओवेंस एंड शेमस ने बना लिया एक टैग टीम एंड गोइंग अगेंस्ट मी हैंडीकैप मैच में, मैं अकेला बिल्कुल, हियर वी गो, ये स्टार्ट हुआ हमारा मैच ऑन स्मैकडाउन 2-on-1, ये कहाँ का इंसाफ है यार, ये कहाँ का इंसाफ है, ऐसे मैचेस के दौरान हमें अपने पुराने टैग टीम पार्टनर की याद आती है, ब्रोडी टाइसन भाई तू कहाँ है भाई, छोड़ के चला गया क्या WWE, जब से मैंने इसको छोड़ा यहाँ पे, शेमस बीच में क्या कर रहा है, रेफरी है कैसे आए हो बीच में, आप देखो ना क्यों नहीं देखते आप, रेफरी यार कम ऑन, बी फेयर, यहाँ पे केविन ओवेंस ने इसी बात का फ़ायदा उठाया है, उठा लिया फॉर अ सबमो वन ड्रॉप, जिंदर महल इन ट्रबल, यहाँ पे दो लोगों के अगेंस्ट जाना कभी भी आसान नहीं होता, दोनों कभी भी टैग कर सकते हैं, एक बंदा हर समय फ्रेश होता है एंड मेरे लिए हर समय टफ, तो दोनों पे दबाव बनाए रखना पड़ेगा, यहाँ पे मारा मैंने केविन को एंड शेमस को बाहर फेंका विद अ स्पीयर, बूम केविन के पेट पे वार, ओहो उसने किया रिवर्सल, दूसरी तरफ हमें पटका है, बूम एक और शॉट, ये हुई ना बात, इसके सर पे इतने वार करो कि केविन का सर ही चकरा जाए, बूम पेट पे इसने मुक्का मारा भाई, ये तो लात पे लात दिए जा रहे, छाती तोड़ डालेंगे तो मेरी, एंड केविन ओवेंस गया है फटाफट शेमस को टैग करने, बड़े चालू लोग हैं, बहुत ही चालू, अरे यार पूरा मूव मिस हुआ यहाँ पे, लेकिन शेमस पे रिवर्सल, एक तो इनके पास इतने सारे रिवर्सल जुड़ जाते हैं, मेरे ख़त्म होते जाते हैं फटाफट टैग टीम मैचेस के दौरान, व्हाट अ नी टू द फेस, शेमस भाई वापस तुझे भेजना पड़ेगा, वापस जाएगा तू आयरलैंड, लेट्स गो, उठा लिया है फॉर अ पावर बॉम्ब, बहुत ही सही वाट लगा दी शेमस की हमने, सेकंड रोप की तरफ जाएंगे, केविन ओवेंस पीछे से अटैक करने आ रहा था लेकिन हम पहले ही कूद गए, थोड़ा सा हमें
क्या कहते हैं प्री मैच्योर कूदना पड़ा वहाँ से, एंड मूव इतना कामयाब नहीं। जिंदर महल के पास सिग्नेचर मूव ज़रूर आ चुका है, लेकिन गर्दन मरोड़ दिए यहाँ पे, लात फंसा दिए मेरे गर्दन पे, एंड जिंदर महल इन ट्रबल मैन। वो रोप्स का सहारा लेते हुए छोटा सा पावर बॉम्ब, एंड फिर दोबारा अटैक यहाँ पे, एक दूसरे को फुल फ्रेश रखने की टेक्निक, एंड मेरे पे वार दबाव बना के मेरे ऊपर रखें अंडर फुल प्रेशर, फुल पिटाई, एंड जिंदर महल की बना दी चटाई यहाँ पे। तो अल्लाह, नी टू द बैक एंड गोइंग फॉर द पिन, केविन ओवन सबसे पहला पिन करते हुए यहाँ पे, 1-2, जिंदर महल फाइट्स स्टेज इन द मैच। केविन ओवन ने हमें उठाया, रिवर्सल लटका दिया केविन को, अब आ जा बेटा, KO आज तेरा होगा यहाँ पे, नॉकआउट तेरा होगा। बूम 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 बूम, चार एल्बोज एंड बैक ब्रेकर, दो रोप्स के बीच में फंसा के इसकी वाट लगा डाली हमने। सिग्नेचर मूव आ चुका है हमारे पास, वैसे भी कोने में ले जाएंगे केविन को, एंड यस वी आर गोइंग फॉर इट, सिग्नेचर मूव डबल नी धमाका, बूम। बीच में मत आई हो शेमस, बीच में मत आई हो शेमस, को हमने बिल्कुल बाहर कर दिया है, फटाफट इस बात का फायदा उठाएंगे। मूव थीफ यहाँ पे, पॉप अप पावर बॉम्ब, उसी का मूव उसी पे, बूम विद द पावर बॉम्ब, केविन ओवन्स डाउन 1, लेकिन शेमस बीच में आ गया भाई। शेमस जब तक है ऊपर तब तक ये पिन नहीं हो पाएगा ढंग से, केविन ओवन्स अभी भी उठ नहीं पाया। ये ले बेटा RVD का भूत, एंड फ्रॉक स्प्लैश मिस यहाँ पे, फ्रॉक स्प्लैश मिस हमारा। टैग टीम मैच में ना ये बट जाता है थोड़ा थोड़ा डैमेज यहाँ पे, रिवर्सल फ्रॉम जिंदर, व्हाट अ मूव, रशियन लेग स्वीप, सिग्नेचर मूव हमारे पास दोबारा, केविन ने रिवर्स किया हमें एंड पीछे से पकड़ लिया है, वो व्हाट अ जर्मन सुप्लेक्स, गर्दन से पकड़ के उछाला है भाई ने, पावर देख सकते हैं आप केविन ओवन्स के ऊपर, ऊपर से बड़ा फुर्तीला भी है अपने साइज के हिसाब से। जिंदर महल फिर दोबारा किक आउट करते हुए यहाँ एक पिन को, केविन ओवन्स हमें टॉन्ट मार रहे हैं, एंड फिर पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, बूम, नीज पे नीज, नीज पे नीज, रिवर्सल आया हमारी तरफ से, फिनिशिंग मूव, यस द फिनिशिंग मूव, टाइगर बॉम्ब, बूम, केविन ओवन्स की हालत खराब, दूसरा फिनिशिंग मूव था उसके ऊपर, शेमस को बाहर फेंका हमने, फटाफट फटाफट फटाफट, पिन पिन पिन, 1-2-3, व्हाट अ विन, हैंडीकैप मैच में सही टाइम में हमने शेमस को बाहर किया, एंड ऊपर से केविन ओवन्स का मूव उसी के ऊपर, बड़ी अच्छी विन आज जिंदर के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये था आज का एपिसोड, आई होप आप लोगों को मजा आया, प्लीज लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर WWE, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट, एंड तब तक के लिए बाय बाय।